आज पब्लिक हॉलीडे है, डबल पेड तो ये देखो भाई भीड़ है। सो हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो आप लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो अभी क्या हुआ, कल रात को है ना, मैं आया काफ़ी लेट हो गया। आया कितने बजे? मैं आया 2 बजे, 2:10 पे ऐसा कुछ मैं आया। और मेरे को है ना, क्रॉस कर लेता यार, आज फटाफट गाड़ियाँ भी चल रही है। जा भाई, रुक जाओ भाई, मेरे को जाने दे। अरे यार रुक जाओ कोई तो। ओके ओके ऑल राइट। तो मैं आया 2:10 पे और नहा भी के फ्रेश अप होकर रेडी हो गया। और मेरी है ना एक 18 मिनट की वीडियो पड़ी थी, और जो मेरे को है ना बताना था कि सैलरी का क्या सीन है। तो उस वीडियो को एडिट करते करते 3:45 कब हो गए पता भी नहीं चला मेरे को। अब जब देखा, अरे भाई 4 बजने वाले हैं और सुबह वापस से 10 बजे उठ के भागना है, क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बंद किया मोबाइल, उसको ट्रांसफ़र किया, अभी तक अपलोड नहीं किया उसको। अभी पहले जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, इतना तगड़ा वाला भूख लगा है। तो कुछ था भी नहीं और टाइम भी नहीं था। अगर मैं बनाने बैठता अभी 10 बज रहा है तो मेरी 11 बजे बस निकल जाती और ना खा ही पाता ना अच्छे से बना पाता, क्योंकि आधा मन लगा होता बस चली जाएगी तो वाट लग जाएगी। तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। एक दो बार तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं है, ऐसा हो गया सर भूल गए, बट मैं नहीं चाहता कि मैं मिस करूँ अपना कोई भी बस। तो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ करी कुंडी के अंदर, वहाँ पे लूँगा पहले मसाला डोसा खाऊँगा फिर निकलूँगा। यार ये देखो, ये होती है लाइफ। आप कभी थके हो, हारे हो, भूख लगी हो या फिर कुछ भी हो, मगर ड्यूटी प्रायोरिटी रहेगी, बाकी सब गया भाड़ में, समझ रहे हो। तो इसमें यही सब भी चलता रहता है यार दिमाग में। चलो, मेरा हाथ भी दुखने लग गया मोबाइल पकड़ के। बहुत तेज से भूख लगी, कहीं बोले ना यार ख़त्म हो गया, या फिर कहीं बोले ना खाली पूड़ी अवेलेबल है, मेरे को पूड़ी भाजी नहीं खाना है। क्या करता है पता है क्या, जो मसाला डोसा का जो आलू रहता है ना, उसी को पूरी भाजी के साथ में देता है और उसी आलू को मसाला डोसे के साथ में डाल के देता है। खतरनाक सीन करता है यार। चलो पहुँच गए। भाई साहब यहाँ पे तो अभी फुल है, आई हैव टू वेट फॉर 5 मिनट मोर देन आफ्टर व्हाट आई विल गो एंड ईट। तो 2-3 मिनट और वेट करना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास में अभी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास है, तो मैं आराम से खा भी सकता हूँ, खा के जा सकता हूँ। फाइनली जगह मिल गया भाई, अभी आप ऑर्डर करते हैं अपना। भाई मसाला डोसा आ गया, चटनी यही है जो इसके साथ में वाइट वाली चटनी मिलती है, वो खत्म हो गई बिकॉज आई एम लेट। अभी खा लेते यार, क्या ही करें। तो भैया हो गया है अपना नाश्ता, अभी एनर्जी देखो भाई की, अभी तक तो मीमी मीमी बकरी की तरह बोल रहा था, बट नाउ आई एम गुड। मस्त खाया, और भाई मैंने क्या किया, मसाला डोसा खाया और इतना ज़्यादा भूख लगी थी 2 इडली एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, 2 इडली भी दबा दिया और चटनी सांभर फेल दिया। अगर थोड़ा सुबह जल्दी आएगा ना तो आपको ना अच्छी चटनी मिलती है, मगर थोड़ा सा लेट हो जाओगे तो धीरे धीरे चटनी कम हो जाती, मतलब वो ख़त्म हो जाती है यार मेन चटनी, तो बिना उसके मज़ा नहीं, बिना उसके थोड़ा कम मज़ा आया। ऐसा नहीं है, भूख लगी थी भाई, जो भी मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है, अभी क्या ही करें। चलो अब जा रहा हूँ अकोमोडेशन पर, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा बस का, अभी मेरे पास में 20 मिनट और बचे हुए। चलो भाई वो पता नहीं था इस बारे में, जस्ट अभी पता चला, सामने मेरे साथ में है ना ताको बेल का मैनेजर है, जस्ट उसने अभी बताया कि भैया आज पब्लिक हॉलीडे है।
तो बोला, मैंने पूछा मेल आया था क्या, तो बोला हाँ मेल आया है एंड सही है भाई, क्योंकि मैनेजर्स लोग को एक्सेस होता है ना वो सब पता करने का। और जैसा कि देख सकते हो, देखो कल आया था तो कुछ हलचल नहीं थी, मगर शाम को भाई अचानक तो ऐसे बढ़ गए थे कि पूछो मत। और किचन में खाली मैं और दो बंदे, और भाई मैंने इससे इतनी सारी हेल्प मांगी भाई, टमाटो कट करके दे, चीज़ लेके आ, फुल आउट कर, अरे भाई साहब क्या खेल खेल रहे थे, वगैरह मजा आ गया था भाई। जंग कैसा हो, आज पब्लिक हॉलीडे है, डबल पेड़ है, जंग भी बड़ी खुश है भाई। सुनो डबल पे बोल दिए भाई, भाई मेरे पीछे देख लो और मेरे आगे भी देख लो। और कैसा है भाई, आज पब्लिक हॉलीडे, आज पब्लिक हॉलीडे, आज 30 केडी मिलना चाहिए। बोलता है आज 30 केडी मिलना चाहिए, आओ कम काम करेगा 5 केडी का और 30 केडी एक्सपेक्टेशन करेगा, 30 केडी पकड़ेंगे आज, 30 केडी भाई आज, जो जो भी काम करेगा ना अपने इस कंपनी में, मतलब आज के दिन उसको तो भाई समझ रहे हो, हर एक मिनट का हर एक सेकेंड का डबल पे मिलने वाला है। तो पहले जाके लॉगिन करने का, फिर भाग जाने का वॉशरूम, फिर वहाँ से फ्रेशअप वगैरह होके, क्योंकि बस में ऐसा सो गया था ना, पूछो ही मत। भीड़ लग रहा है यार, कल की जैसा लग रहा है, कल की जैसा होगा। कल तो धुआं, तूने हेल्प नहीं किया होगा ना, आधी ज़्यादा फट गई होती, टमाटो देखा जीरो हो गया था भाई। कल तो भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। चलो पहुँच गए हम तो, मॉल है भाई, मॉल है मॉल। तो पहुंच गए हैं और जो बस काम ही, आज रात को मजा आएगा, अभी नहीं, अभी धीरे धीरे से लंच स्टार्ट होगा ना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ बिजी का टाइम में ना काम करने में ऐसा टाइम पता भी नहीं चलता, और कल पता है क्या, 11:30 बजे रात तक है ना अपना रेस्टोरेंट ओपन था, और रात को जब बंद कर दिए ना तो भी कस्टमर आती है, जब ऑलमोस्ट बस आने का टाइम हो चुका था। बट कोई नहीं, आज नेशनल डे है, पता नहीं कुछ तो है, मज़ा आने वाला है। तो भैया दोपहर का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पर, कितना प्यारा, सच में बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे को ये सब वादियाँ और ये सब नज़ारे देखने मिल रहा है और आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए, आज है पब्लिक हॉलीडे, तो स्टाफ लोग सारे सब आ गए हैं, सब अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम भी जाते अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो बाय। जैसा कि आज पब्लिक हॉलीडे की वजह से ना भाई इतना भीड़ है कि पूछो मत। सुबह से आया हूँ, मतलब मैं यहाँ पे जैसे 10 बजे उठा, 11 बजे बस पे बैठा और 12 बजे यहाँ पे पहुँचा। बट भाई 12 बजे से लेकर खाली 2 बार सुसू करने गया हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 8, मगर अभी भी देखो ये वाला टेबल भरा है और वहाँ पर डाइनिंग में भी भरा हुआ है। मैं चाय पीने के लिए मतलब चाय पी लेता हूँ, तो चाय पी रहा हूँ, खाली एक सैंडविच खा के जिंदा हूँ। तो मेरा एक, मैंने स्टाफ मील एक्सचेंज किया है एक बंदे से, तो अभी राइस रखा हुआ है, तो राइस मैं खाऊंगा बाद में, मतलब एटलीस्ट 12 बजे, क्योंकि अभी खा लूँगा ना तो मेरे को भूख लग जाएगी, क्योंकि मतलब कॉफ़ी से अपने ये यूसरा अभी मोबाइल में इंस्टाग्राम की बहुत लवर है, और जस्ट अपना अभी जाके काम ख़त्म हो गया है भाई, अब जाएंगे घर पर। और जी हाँ, आज का दिन ऐसा बीता कि रात के कितने बज गए भाई, आप भी लोग देख लो, 12:30 बज रहे हैं और ये 29 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ, बट क्या ही करे, मज़ा आ गया, मगर काम करने में बोले तो जो खुशी मिली थी पूछो ही मत। ऐसा हर दिन रहेगा ना तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, मगर एक बात और, जैसे घर पे जाऊँगा ना ऐसा सोऊँगा कि पूछो मत, मगर उठ के ना वापस से 10 बजे उठना है, 11 बजे बस रहेगी, वापस से कल रात को 1 बजे तक। तो कुछ लोग ना मेरे को मैसेज करते हैं कि यार बताओ कि यार मेरी कंपनी के बारे में, अभेद कंपनी कैसी है एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी बर्गर से रिलेटेड एक दो लोग पूछ रहे कि वो कंपनी कैसी है। भाई मेरे को जाने का मौका ही नहीं है, और एक छुट्टी होती है, तो अभी आप सोच ही सकते हो, मैं बोलूँगा ना जब आप लोग यहाँ पर आओगे ना, आप लोगों को पता चलेगा कि वॉट इज़ एक्चुअली लाइफ। आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, बट हाँ जितने लोग भी आएंगे ना यार उनको पता चलेगा। बट फिलहाल यार यही चल रहा है, अभी वो जा रहा है बाहर, बाहर का व्यू वगैरह देखेगा, मैं तो क्या है जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए,
एंड घर पे समाप्त करूंगा इस वीडियो को। भाई साहब ये देख रहे हो क्या खरीद के लेके आया, वे प्रोटीन का डब्बा भाई। अभी इसका प्राइस कितना है, 35 KD का प्राइस इसका, और मिला है 26 KD में। अभी दबा के जिम करने के बाद में मसल वसल छुट्टी पे जाएगा तो भाई बना बना के जाएगा, सही है। चलो देखते हैं भाई, जिम कर रहा तो चाहिए भी है, मगर जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा तभी ये सब फ़ायदे लायक है यार। गोल्ड स्टैंडर्ड आइसोलेट बढ़िया है, ठीक है। तो भैया इसको लगा दिया अपनी जगह पर और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और घर पे पहुँचा मेरा कैब घूम गया था और मिल नहीं रहा था, तो मैंने कैब यहाँ पे छोड़ के गया था और मैं उधर रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा हूँ मेरा कैब किधर है। दूसरे का भाई जो एक ड्राइवर है ना उसका कैब मांग के पहना, बोला चलने थे आज का दिन, ऐसा करके चल गया। और बस कुछ नहीं यार, आया बिजी था तो इसकी वजह से कोई पूछा भी नहीं तेरा कैब किधर है, तेरा एप्रोन किधर है। एंड भाई काम तो निकल गया है फिलहाल, अब फील ऐसा कर रहा हूँ कि बस मेरे को ये इस पे ना खाली बिस्तर मिल जाए, ऐसा लंबा लंबा हो जाऊँ। ये देखना आपके साथ में भी होगा, आप खाली बोल देखो ऐसे ही फेंक के चले गए, ये भी ऐसे ही मैं भी फेंक के जा, आज मैंने ठीक भी नहीं किया, ऐसे ही फेंक के मैं भी चले गया था क्योंकि यार नींद ही नहीं पूरी होती। कल मैंने 4:30 मतलब ऑलमोस्ट 4 बजे सोया और 4:15 पे मेरी आँख लगी थी, क्योंकि बोल रहा ना एडिटिंग करके अपलोड करना था और ये सारे काम दिमाग में चल रहे थे। तो अभी जस्ट अभी मैं 2 बजे यहाँ पे आया, मगर अभी 2:30 बज रहा है, तो 2:30 भी क्या तुमको दिखाता हूँ, देखो 46 हो गया। तो ये अपलोडिंग के लिए मैं नीचे रुका था, जैसे ही अपलोडिंग खत्म हुआ भाग के ऊपर आया। अब फटाक से जाता हूँ नहाने के लिए, पहले वॉशिंग में कपड़े धो दूंगा और धोने के बाद में सुबह मिलता हूँ। भाई ये होती है लाइफ, और चिकन भिगो के रखा हुआ है, सुमन बना देगा मेरे लिए एंड अपने लिए भी बनाएगा, फिर बाद में दोनों भाई खाएंगे मिलके। बट मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेके जाऊंगा बिकॉज मेरे को जाना है ना वहाँ पर काम पे, वहाँ पे ही खाऊंगा एंड हालत ख़राब हो रही है भाई। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और रेड जाके सोना है भाई, बहुत सोना है, जल्दी से नींद लग रही है। एंड आई होप तो कि थोड़ा बहुत मज़ा आपको आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो बढ़िया ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगा मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। एंड जी हाँ, अभी माइंड थका हुआ है, माइंड को अभी चाहिए नींद, तो आप भी सो, मैं भी जा रहा हूँ सोने। बाय, गुड नाइट।